हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। बट उसके साथ आप अपने आप को मत भूल जाएगा, क्योंकि अपना ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फिट होंगे तो आपके घर वाले भी फिट रहेंगे और फिट रहेंगे। बट एक चीज़ और है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि अगर खुशी हमारे पास होगी तो कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का भी। तो चलिए देख लेते हैं क्या एजेंडा। फॉर्मेटिंग एक्सेल, बेसिक फॉर्मूला एंड फाइंडिंग डेटा। फॉर्मेटिंग में हम क्या सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़े सीखेंगे, शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। बेसिक फॉर्मूला में क्या हम देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ऑटोफिल हैंडलर के बारे में जानेंगे। फाइंडिंग डेटा में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक एक्सेल शीट ले लेते हैं, फिर उसके बाद ऑटोफिल हैंडलर यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं नंबर डाल लेती हूँ और ऑटोफिल हैंडलर का यूज करते हैं। ओके, ये आप देख रहे होंगे मैं कैसे ऑटोफिल हैंडलर का यूज कर रही हूँ। जहां जहां मैं लेके गई उसको मैंने स्प्रेड कर दिया, जहां पे जिस कॉलम को मैंने एक कॉलम को सेलेक्ट किया था उसमें दो तीन नंबर पुट किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, इसको इंक्रीज, आप जितना आपको नंबर्स चाहिए उतनी आप इंक्रीज कर देंगे इस कॉलम को, तो ये पूरा फिर से बन जाएगा। मैं एक बार दोबारा से आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। थ्री एंड देन इसको पूरा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद प्लस साइन दिख रहा होगा, प्लस को स्प्रेड कर रहे हैं हम, जितना हमें नंबर्स चाहिए 20 तक मैंने इंक्रीज किया है एंड वैसे ही प्लस साइन हम स्प्रेड कर दे रहे हैं राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये हमारा एक डेटा बन गया। ओके, अब ये थोड़ा मच प्रिटी लग रहा है। उसके बाद चलिए एक कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम देखेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। पहली शॉर्टकट कीज आप नोट कीजिए जो रहेगी हमारी कंट्रोल प्लस एरो। एरो हम सब एरो यूज करेंगे, डाउन एरो भी यूज करेंगे, लेफ्ट राइट, ओके, सारे एरो यूज करेंगे। दूसरी आप लिखिए कि शिफ्ट प्लस एरो। तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। प्लस एरो, शिफ्ट प्लस एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। अब इनका यूज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। आपको कॉलम एंड रोज तो याद ही होंगे, ए बी सी डी, ये जो दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं और यहाँ जो 1, 2, 3, 4 नंबर्स दिख रहे हैं इंडेक्स नंबर, ये हमारे रोज कहलाते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल प्लस एरो का यूज कैसे करना है। जैसे कि सपोज हमारा जो एक्सेल है ना, ये बहुत ही स्मार्ट है, ये बॉटम लेवल से लेके मैनेजमेंट लेवल तक के लोग इस एक्सेल पे काम करते हैं। ये अलग बात है कि वो बेसिक लेवल का एक्सेल नहीं होता है, वो एडवांस लेवल का एक्सेल यूज करते हैं। एडवांस लेवल के एक्सेल पे भी हम चलेंगे, बट फिलहाल अभी हमारी स्टार्टिंग है, हमारी सेकेंड क्लास है, तो उस पर फोकस करते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं हमारा जो कॉलम ए है उस पर हमने अपना कर्सर रखा हुआ है, उस ब्लॉक को सेलेक्ट किया हुआ है कॉलम को। उसके बाद अगर हमें जाना है कि डायरेक्ट हमारा जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट हमारे कॉलम में जाए, आई मीन जो हमने डेटा बनाया है हमारे डेटा बेस में डायरेक्ट वो जाए, तो कैसे जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड एरो की, कंट्रोल दबाइए राइट हैंड साइड एरो की। जैसे ही आपने किया, एक्सेल स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि हम शॉर्टकट कीज यूज कर रहे हैं, मूव्स क्या क्या हैं। तो पहले ही जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस किया, वैसे ही ये कॉलम सॉरी हमने जो डेटाबेस बनाया है उसमें लेके चला गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या, अब अगर हम कंट्रोल प्लस एरो की दबाएंगे तो क्या होगा, राइट एरो की हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में येलो कलर का 1 दिख रहा होगा। ओके, डेटाबेस में आप येलो कलर का 1 देख रहे हैं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एरो दबाऊंगी वैसे ही वो वहां पे ले जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस डाउन एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो ये बॉटम 20 पे ले जाएगा, ये पूरे डेटाबेस को कवर करेगा। जैसे जैसे आप अपना कंट्रोल प्लस एरो कीज जैसे आपको लेके जाना है वैसे यूज करते हैं तो। ओके,
अब देख लेते हैं शिफ्ट प्लस एरो कैसे यूज करना है। सपोज हमारा जो सिलेक्शन है वो डी कॉलम है, ओके, डी कॉलम पे हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद अगर हमें जाना है राइट हैंड साइड हमारे डेटाबेस पे, तो हम कैसे जाएंगे, शिफ्ट प्लस राइट एरो। ये शिफ्ट प्लस राइट एरो एक एक कॉलम को सेलेक्ट करेगा, ये सिलेक्शन का काम करता है। जैसे ही मैं राइट एरो प्रेस करती जा रही हूँ, शिफ्ट को प्रेस करते साथ ही, उसके बाद राइट एरो जैसे जैसे मैं प्रेस करते जा रही हूँ वैसे वैसे ये सिलेक्शन लेता जा रहा है। अब मैं बॉटम एरो यूज कर रही हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए एक एक कॉलम, एक एक रो सेलेक्ट कर रहा है। पहले कॉलम किया, अब रो सेलेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये शिफ्ट प्लस राइट एरो की का कमाल है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हमारा यहाँ पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। तो हमने दो शॉर्टकट कीज यूज कर ली है, कंट्रोल प्लस एरो, शिफ्ट प्लस एरो। अब हम थर्ड शॉर्टकट की देखेंगे कैसे यूज करना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, ओके। तो पहले हम कंट्रोल एरो का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने डेटाबेस पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। डेटाबेस पे जैसे ही हम गए, फर्स्ट ए पे सॉरी की कॉलम एंड फोर्थ रोज पे हम जैसे ही गए, वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो मैंने यूज किया। ये आपने देखा कि एक सेकेंड नहीं लगा, एक्सेल ने एक बार में जितना हमारा डेटाबेस है सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉलम खाली सेलेक्ट किया, पूरा डेटाबेस तो सेलेक्ट हुआ नहीं है। तो अब हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से, ओके। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, देखिए ये है मैजिक एक्सेल का, एक बार में डेटा पूरा सेलेक्ट हो गया। चाहे तो आप शिफ्ट प्लस एरो से यूज कर सकते हैं, वन बाय वन कॉलम सेलेक्ट करना एंड वन बाय वन रो सेलेक्ट करना, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो से और डाउन एरो से पूरा सिलेक्शन एक बार में ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो लेते हैं, तो सबसे पहले ये डाउन एरो का सिलेक्शन हुआ है। पहले हमने क्या लिया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो लिया था। अब हम कंट्रोल शिफ्ट अगर बॉटम एरो लेते हैं, तो ये बॉटम एरो का सिलेक्शन ले रहा है। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो देखिए दोनों ही कंडीशन में हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, ओके। तो ये थी फिलहाल आज की शॉर्टकट कीज, ओके। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट कीज है जो मैं बताती हूँ। आप जैसे ही ऑल्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे शॉर्टकट कीज हाईलाइट हो जाते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ये सारे के सारे शॉर्टकट नंबर्स को, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल के लिए एफ, होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप होम पे अगर आना चाहते हैं, तो होम का सिलेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको एंटर प्रेस नहीं करना है यहाँ पे आपको एच प्रेस करना होगा, ओके, क्योंकि हम शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, तो एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद हमारी जो बाकी की होम की शॉर्टकट कीज हैं वो ओपन हो जाएंगी, ओके। तो जैसे कट के लिए एक्स है, कॉपी के लिए सी एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कलर यूज करना है, तो यहाँ पे पूरे डेटाबेस में अगर कलर फिल करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कॉलम में फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एच प्रेस कर सकते हैं आप। बोल्ड के लिए आपको वन, इटैलिक के लिए टू एंड अंडरलाइन के लिए थ्री करना है। ऐसे ही अगर हम वापस से जाएं, आप ये हटाएंगे कैसे, वापस से आप ऑल्ट दबाएंगे, एएलटी ऑल्ट दबाएंगे, तो वैसे ही आपका ये वापस से पुराने मोड में वापस आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट वापस से शॉर्टकट कीज यूज करें और इंसर्ट करना चाहें, तो हम एन प्रेस करेंगे। एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे आपको शॉर्टकट कीज दिख रहे हैं, कि आप A3 प्रेस करेंगे तो पिपल ग्राफ आपको नजर आ जाएगा, SL प्रेस करेंगे तो लाइन चार्ट आपको नजर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा जो दूसरा हेडिंग है देख लेते हैं एजेंडा। दूसरा हमारा था बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला पे चलते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। फॉर्मूला में हमें क्या क्या देखना था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑटोफिल। चलिए करते हैं।
ओके यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, स्टूडेंट लिए हैं एंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ओके अब हम इन मार्क्स के बेसिस पे सीखेंगे कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं एंड डिवाइड कैसे कर सकते हैं एंड टोटल। दो तीन मेथड है, सबसे पहले हम फॉर्मूला के बेसिस पे यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पे है द सम ऑफ डेबिट एंड प्रेम मार्क, यानी कि हमें सम चाहिए, टोटल चाहिए डेबिट एंड प्रेम के मार्क का। डेबिट का मार्क्स है 45, प्रेम का है 43। सम कैसे होगा? इक्वल साइन प्रेस कीजिए। इक्वल साइन के बाद यहाँ पे जो कॉलम है डेबिट का 45 वो सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद प्रेम का सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C4 प्लस C7। अब आप पूछेंगे C4 एंड C7 क्या है? C4 जैसे ही हमने डेबिट का मार्क सेलेक्ट किया था तो वो C4 कॉलम पे है। कैसे पहचानेंगे आप? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलम नेम C एंड रोज 4, तो ये C4 हो गया। ओके वैसे ही यहाँ पे आपको C7 दिख रहा होगा तो कॉलम C एंड रो कौन सा है? 7। ओके अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोनों का टोटल है 88। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहें, जैसे कि ये तो हमने टाइप किया था, अब अगर हमें कुछ भी नहीं आता एमएस एक्सेल में, एक फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया क्योंकि हमें पता था, अब अगर कोई है जिसको आता ही नहीं है, जिसको नहीं पता है कैसे करना है, कोई भी नया इंसान है जिसने पहली बार एमएस एक्सेल यूज किया है, तो उसको अगर नहीं पता कि कैसे हमें एडिशन करना है, कैसे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे ऐड कर सकें, डिवाइड कर सकें, सम कर सकें, तो एमएस एक्सेल कहता है कि प्लीज आप घबराइए नहीं, हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम आपको वो भी फॉर्मूला प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन FX। ओके क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन पे, यहाँ पे लिखा है टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक हो। हम यहाँ पे लिखेंगे सम क्योंकि हमें करना है एट। तो यहाँ पे देखिए आपको एमएस एक्सेल रिकमेंड कर रहा है सम, सम इफ, सम इफेक्ट और सो ऑन। ओके तो हमें तो सम ही चाहिए तो हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ओके आपको किस चीज का नम ऐड करना है, एडिशन किस किन कॉलम्स का करना है, किन रोज का करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हम डेबिट लेंगे क्योंकि हमने डेबिट का करना है, प्लस हमें करना था प्रेम का। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में भी दिखा रहा है कि 88 टोटल है, तो आप इसको कभी कह नहीं सकते कि ये गलत दिखाएगा क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन कभी गलत नहीं शो करता एमएस एक्सेल का। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि हमने दोनों फॉर्मूला यूज किया और दोनों फॉर्मूला से हमारे रिजल्ट सेम आए हैं। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मिथ एंड एलन। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इक्वल साइन अगेन, देन क्लिक स्मिथ माइनस एंड एलन, एलन ओके 85, क्लिक एंटर माइनस 20। सेम फंक्शन के थ्रू अगर हम जाएं, फंक्शन के थ्रू हम अगर जाएं तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, खाली अगर हम डिफरेंस पे लिखेंगे तो ये हमें बता देगा कि ओके हमें डिफरेंस जानना है। तो पहला है रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें तो पहले ही चाहिए ऑप्शन। ओके यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकमेंड का, इसको अगर ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस दिख जाएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल है, डेट एंड टाइम है, मैथ ट्रिक है, स्टैटिकल्स है, लुकअप है, रेफरेंस है, डेटाबेस एंड एक्सेट्रा। पहला हम ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो हमें डिफरेंस देखना है उसका। तो अब हमें जानना है किन किन चीजों में डिफरेंस चाहिए। स्मिथ एंड देन हमें चाहिए था एलन में, एलन है 85, तो यहाँ पे क्लियर शो कर रहा है -20। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं टोटल में, हमें टोटल अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं टोटल। टोटल अगर हम करने जाएं तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, चलिए देख लेते हैं वो कैसे होगा, अभी पता चल जाएगा। ओके सबसे पहले हमने इक्वल साइन लगा ले जैसे हम करते हैं, फिर उसके बाद हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, पहला है डेबिट, फिर उसके बाद प्लस साइन, फिर हमें सेलेक्ट करना है प्लस साइन, ओके देयर इज अ मिस्टेक, ओके फिर हमें एलन है, फिर प्लस साइन,
फिर स्मिथ, फिर प्लस साइन, प्रेम, मार्क, जॉय, शिवान एंड देन एनी। ओके, ऐड करने पे हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 4999। अब अगर हम फंक्शन के थ्रू देखें तो, बट उससे पहले क्या कोई शॉर्टकट की और नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि ऐड हो जाए, हमें बार बार प्लस का साइन प्रेस करना पड़े, हमें बार बार देखना ना पड़े? तो बिल्कुल, एमएस एक्सेल के पास सारी चीजों का हल है। होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको नंबर्स चाहिए वहां पे आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटो सम में यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे और भी फॉर्मूला नजर आ रहे होंगे, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम एंड ऑन। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते सम की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल सम, राइट? फिर उसके बाद है कि कैसे पता चलेगा, हमने तो ऑटो सम का हमने तो ऑटो सम प्रेस कर दिया बट यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे आपको ब्लू स्क्वायर दिख रहा होगा, ब्लू रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसको हम ऑटो टूल हैंडलर की मदद से लेके जाते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर ले रहे हैं जितने मार्क्स हैं उनकी। ओके, तो 45, 85, 65 सारे हमने ले लिए हैं, अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 499 सेम रिजल्ट निकल के आया है। चलिए देख लेते हैं थर्ड मेथड क्या है। टोटल करने का भी एक थर्ड मैटर है, सॉरी टोटल करने का भी एक थर्ड मेथड है, वो देख लेते हैं क्या है। इक्वल, सॉरी इक्वल सम ओपन ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करने के बाद क्लोज ब्रैकेट एंड देन एंटर, सेम 499 499 499, तीनों रिजल्ट सेम है। तो यानी हमारे तीनों मेथड सही हैं, तीनों रिजल्ट सेम है, यानी कि हमारे तीनों मेथड जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज ऑफ जॉय एंड एनी। ओके, तो इक्वल साइन, जितने भी आपने मेथड देखे होंगे सब में देखा होगा कि हम इक्वल साइन के साइड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वल साइन लगाने के बाद ही हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले का पार्ट है। अगर कभी भी आप नॉर्मल कॉलम में भी इक्वल साइन लगाते हैं तो वो समझता है, एमएस एक्सेल समझता है कि हम कोई फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो इक्वल साइन, देन उसके बाद कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं विद इन ब्रैकेट जॉय प्लस एनी 82 क्लोज ब्रैकेट डिवाइड 2, ओके एंटर 69। यानी कि जॉय एंड एनी की मार्क्स का जो एवरेज है वो 69 है। ओके, तो अब फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, तो देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन दे दिया एवरेज का। ओके ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमें एवरेज किन का निकालना है। तो हमें एवरेज निकालना है जॉय एंड एनी का। तो सबसे पहले जॉय 56 एंड एनी 82। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा होगा 69 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमने क्या देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा एंड टोटल देखा, टोटल कैसे निकालेंगे एंड एवरेज देखा। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखेंगे, जैसे ही आप इस कॉलम पे प्रेस करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला आपको फंक्शन में दिखाई दे रहा होगा, इक्वल C4 प्लस C7। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इक्वल सम C4 C7। तो आप चाहे दोनों मेथड से, तीनों मेथड से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सम जहां से हमने किया था, यहाँ पे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम सबका ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। अब हम ऑटोफिल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने
फर्स्ट अपने शीट में देखा था, आई मीन जब हम फॉर्मूला एंड टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे थे तब हमने देखा था कि हम कैसे ऑटो फिल कर सकते हैं। तो अभी भी हम देख लेते हैं, तो जैसे 1, 2, 3 एंड देन अगर ऑटो फिल करना है तो कैसे होगा, सेलेक्शन देन प्लस इंक्रीज करते जाएंगे एंड ये ऑटो फिल हो गया। ऐसे ही एक्सेल इतना ज्यादा स्मार्ट है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जनवरी, वो भी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जैन खाली मैंने लिखा, जैन फैब, फिर यहाँ पे अगर हम दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लें एंड स्प्रेड कर दें तो ये ऑटोमेटिक हमारे सारे मंथ्स ले आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि हमारा काम ये बहुत ज्यादा ईजी कर देता है। उसी तरीके से ये ऑड एंड इवन नंबर्स को भी पहचानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 एंड देन 4 लिखूं तो ये समझ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम इवन नंबर ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 12 एंड ये पूरे इवन नंबर इसने नोट कर दिए। अब ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर लिखने तो एक्सेल ऑड नंबर को भी काफी अच्छे तरीके से पहचानता है एंड ये आपके लिए पूरी प्रिपरेशन करके रखता है, आपको खाली इसे हिंट देने की जरूरत होती है और ये आपका सारा काम कर देगा। तो चलिए एजेंडे के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। ओके, तो एक डेटाबेस है मेरे पास, एक पूरा डेटा सेट है ये हमारा, इसके थ्रू हम जानेंगे फाइंड एंड रिप्लेसमेंट हम कैसे करते हैं। ओके, तो फाइंड का शॉर्टकट की आप नोट कीजिए, सबसे पहले कंट्रोल जीआरएल प्लस एफ, इससे आप शॉर्टकट की है, इसे आप यूज करेंगे कुछ भी आपको फाइंड करना है शीट में। तो ये एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दोनों के लिए यूज होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, वैसे यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, ये बॉक्स जो है वो खुल के ओपन हो गया है। तो अब ये पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैं फाइंड करना चाहती हूँ दीपा। ओके, दीपा मैं फाइंड करना चाहती हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल या क्लोज, तो फाइंड नेक्स्ट। ओके, तो शॉर्टकट कीज आपने नोट कर ली, कंट्रोल प्लस एफ। अब चलिए यूज करना है कैसे वो देख लेते हैं। कंट्रोल एफ, यहाँ पे आपको ये बॉक्स खुला हुआ दिख गया होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। ओके, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है माली, नाम बहुत अजीब है माली, चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, यहाँ पे आपने देखा होगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का, यहाँ पे फर्स्ट नेम में एक जगह लिखा है माली और लास्ट नेम में यहाँ पे लिखा है मलिक, जो कि माली से सिमिलर है, खाली के का फर्क है। तो यहाँ पे जितने भी सिमिलर वर्ड होंगे फाइंड हमें वो दिखाता जाएगा। ओके, फाइंड नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये देखिए मालिक पे भी क्लिक लेके चला गया, मालिक कॉलम पे भी लेके आया है। ओके, इसी तरीके से अगर हमें रिप्लेस करना है, हम चाहते हैं कि गोवा को पुणे में बदल दें। ओके, तो कैसे करेंगे, हमने बाई चांस कोई गलती कर दी, यहाँ पे तो पुणे सिटी थी, हमने गोवा मेंशन कर दिया है, अब क्या करना है, हमें करेक्शन सभी जगह करना है और हम चाहते हैं बिना मिस्टेक के, डेटाबेस यूज है और हम चाहते हैं बिना मिस्टेक के वो काम हम कर जाएं, तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कीजिए गोवा, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे दिख रहा होगा रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस पे क्लिक करिए। फाइंड वॉट, आप क्या देख रहे हैं, तो हमने गोवा लिखा है कि भाई हम गोवा देख रहे हैं और हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं पुणे से, PUNE पुणे। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस रिप्लेस ऑल इट मीन्स जितनी भी जगह पे गोवा मेंशन है सब जगह पे पुणे हो जाएगा। खाली रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है ये पर्टिकुलर प्लेस पे ही चेंजेस दिखाएंगे। जैसे मैं क्लिक करती हूँ खाली रिप्लेस पे, तो देखिए खाली जहाँ पे कॉलम सेलेक्ट था वहीं पे ही चेंज हुआ है और देखिए अब नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो गया है कर्सर। तो वैसे ही अगर हमने रिप्लेस किया अगेन, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिप्लेस वन बाय वन करते हैं तो एक एक करके चीजें चेंज होंगी, बट अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो एक साथ सब जगह जितनी जगह भी मैंने गोवा मेंशन किया हुआ था, गोवा लिखा हुआ था, वहां पे पुणे हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं वो भी। अब हम चाहते हैं कि पुणे को गोवा में बदल दें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए पुणे एंड देन गोवा,
यहाँ पे रिप्लेस ऑफ, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट. ओके इजी. नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे. विद इन शीट आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, विद इन शीट ढूंढ रहे हैं, तो ये सब कोर्स हम विद इन शीट ढूंढ रहे हैं. ऑप्शन और भी है, वर्कबुक भी ऑप्शन है. ओके सर्च क्या कहाँ पे कर रहे हैं, बाय रोज, ये सब कोर्स में बाय रोज कर रही हूँ सर्च. लुक इन फॉर्मूला मैच केस है, फिर मैच एंटायर सेल कंटेंट. ओके मैच एंटायर सेल कंटेंट ये आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आपको दिख रहा है. अब अगर मैं इसको क्लिक कर दूं मैच एंटायर सेल कंटेंट और एक जगह पे मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ पे मैं लिख दूं उत्तर और यहाँ पे मैं कहूँ कि रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं मैच एंटायर सेल कंटेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश. वैसे ही अगर और भी कॉलम्स में रोज में उत्तर प्रदेश कहीं मेंशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर से चेंज हो जाएगा. ओके तो इस तरीके से हम यूज करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का. तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके तो चलिए आज का एजेंडा तो हमारा कंप्लीट हो गया. हमने टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख लिए, शॉर्टकट भी देख लिए, बेसिक फॉर्मूला भी देख लिया एंड फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी देख लेगी कैसे करना है. आपको अगर शॉर्टकट कीज नोट करनी है तो ये एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज हैं जो आप नोट कर सकते हैं. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.